विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप लोग स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण को सिखाना है मुझे आपको। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए अपने ने इससे पहले क्या सीखा था वो अपने थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, मतलब उसको देख लेते हैं। क्या मैंने इसके पहले बताया था वो आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके पहले मैंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताया था उससे पहले बहुत, उसके बाद बल के बारे में समझे थे अपने थोड़ा। तो बल क्या है वो मैंने आपको बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल क्या वो भी बताया था। तो यहाँ पर आप बल के ऊपर से दाब के बारे में आज सीखेंगे। तो दाब क्या है वो आपको आज सीखना है। तो इधर पे दाब के बारे में क्या सीखना है, दाब अर्थात क्या, उसका सूत्र भी लिखना है तथा मात्रक को भी बताना है। हर आपने परिभाषा जो भी सीखी है उसमें उसका परिभाषा, सूत्र और मात्रक, तीन बातें खास पूछी जाती है परीक्षा में। तो आपको तीनों को ध्यान में रखना है, तीनों के याद भी रखना है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने परिभाषा में, पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर जो बटे में होता है उसमें एकांक लिखा जाता है, क्षेत्रफल इसके बटे में। जो दाब पी है, पी यानी प्रेशर, इसलिए पी से दर्शाते हैं इसे, एफ यानी फोर्स यानी बल से दर्शाते, ए यानी एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल से दर्शाया जाता है। इसके शॉर्ट नाम आपको ध्यान रखने के, बल को आप कैपिटल एफ से दर्शाओगे, क्षेत्रफल को एरिया यानी कैपिटल एफ से दर्शाओगे, पी यानी प्रेशर, दाब यानी पी से दर्शाओगे। इस तरह से पी बराबर एफ अपोन ए, तो जो भागफल में होगा यानी बटे में होगा वो ए है, इसलिए आप लिखोगे एकांक क्षेत्रफल पर लंब रूप। किसी पर भी अगर बल लगाना तो लंब रूप बल लगाना पड़ता है, आपको मालूम हो तो ना, उसका बल लगता है उस पर। जैसे इस तरह से मैं हथेली को रखा हूं, अगर मैं इस तरह इस पर बल लगाऊंगा इसके द्वारा इस तरह से, तो ये क्या होगा, इस पर बल लगेगा इस तरह से। लेकिन अगर मैं ऐसे लगाऊंगा बल तो ये तो 90 पे बल नहीं लग रहा, आप ध्यान, ऐसे लगाऊंगा तो भी बल नहीं लगेगा, ऐसे लगाऊंगा तो भी नहीं लगेगा। जब 90 के कोण पे इस पर बल लगाऊंगा इस तरह से किसी वस्तु पे यानी हाथ पे इस मार्कर के द्वारा, तो क्या होगा, ये आगे की ओर खिसक जाएगा। मतलब ये क्या है, लंब रूप बल लगना चाहिए। दाब लगाना है किसी वस्तु पे तो आपको 90 के कोण पे यानी लंब रूप बल लगाना पड़ता है, इसीलिए लिखना पड़ेगा लंब रूप लगने वाले बल को सतह पर लगने वाला दाब पी कहते हैं। सतह यानी कोई भी सतह पे बल लगाया जाएगा तो उस पर दाब लगेगा सतह पे, इसलिए कहेंगे कि उस पर सतह पर लगने वाला दाब पी कहते हैं। तो परिभाषा फिर से बोल देते हैं अपने लोग, परिभाषा पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर, बट भागफल में क्या है यानी हर में क्या है इसके, ए है, इसका मतलब क्षेत्रफल है। तो इसके क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल, जो भी इसके हर में हो उसके आगे आपको एकांक, यानी एकांक का मतलब एक होता है, एक न्यूटन बल लगाना है इसका मतलब। तो एकांक क्षेत्रफल पर, तो एकांक क्षेत्रफल हो गया। पर लंब रूप लगाना जरूरी है, किसी वस्तु पे दाब लगाना है आपको। मान लो इस हथेली पे आपको दाब लगाना है तो आपको ऐसे अगर करेंगे तो ये लंब रूप बल नहीं है, ये समांतर बल है। ये क्या है, इसके समांतर बल है। लेकिन लंब रूप बल लगाने के लिए आपको क्या, इस तरह से 90 कोण पे इस पे ऐसे बल लगाना है, जिससे क्या ये जो हथेली है इस पे क्या दाब लगेगा, ये दबेगी हथेली, इस तरह आप देख सकते हो दब रही है। तो ये आपने क्या है कि लंब रूप लगने वाले बल को सतह पर लगने वाला दाब पी, पी यानी प्रेशर कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा पूरी हो जाती है। दो, इसकी परिभाषा के आधार पर जानते कि P बराबर F अपॉन A, F ऊपर आएगा और A नीचे आएगा, F का मतलब बल होता है, A का मतलब एरिया ना क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं इसको। ये अदिश राशि है, अदिश राशि की परिभाषा के अनुसार अपने जानते हैं कि अदिश राशि क्या होती है, जिसको अपने मूल्य मालूम हो लेकिन उसकी दिशा मालूम ना हो, जिसका सिर्फ क्या मालूम हो, मूल्य मालूम है लेकिन उसकी दिशा मालूम, मूल्य यानी मान मालूम हो लेकिन उसकी दिशा मालूम ना हो, तो उसे क्या अदिश राशि कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, दाब का मात्रक इस सूत्र के आधार पर निकाल सकते हो कि एफ को किससे दर्शाते हैं, न्यूटन में, यानी एफ के मात्रक को न्यूटन यानी एन कैपिटल एन से दर्शाया जाता है, ए यानी क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, आपको क्षेत्रफल में मालूम हो तो लंबाई का भी मीटर होगा और चौड़ाई का। इस तरह आप देखोगे ए इक्वल टू आयताकार लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी भी लंबाई को आप मीटर में माप सकते हो, तो इधर क्या आएगा, लंबाई का होगा मीटर गुणे फिर चौड़ाई भी मीटर में होगी, दो बार मीटर है, दोनों की घात एक है, तो दोनों घातों को जोड़ दोगे, एक और एक कितनी, दो घात हो गए, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपको सिर्फ समझना है लेकिन ये लिखना नहीं है, तो इसको अपने मिटा देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है आपको। तो इसके बाद अपने देखेंगे कि इसका मात्रक क्या बना, न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर, यानी इसको एन बटे में एम स्क्वायर, यानी एन
बटे एन स्क्वायर या एन मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, या प्रति भी बोल सकते हो, एन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एन का मतलब न्यूटन, इसका मतलब प्रति, और मीटर स्क्वायर, या मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी दो घात माइनस में हो जाएगी, न्यूटन मीटर पावर माइनस टू है, इस तरह से इसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंच वैज्ञानिक पास्कल के मान में, फ्रेंच वैज्ञानिक था उसके पास्कल के मान में मात्रा को पास्कल संकेत, इसका पहला पीए, इसलिए इसको पीए से दर्शाते हैं, द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात एक पास्कल बराबर एक न्यूटन इंटू मीटर की पावर माइनस टू है, इस तरह से इसे समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों इसको अपने पूरी तरह से बल की परिभाषा, सूत्र और मात्रा को समझे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों।